सब्सक्राइब करें ब्रांडेड शहजाद यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल कौमी टीम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिट करार दे दिए गए हैं। सिलेक्टर्स ने पाकिस्तान टीम में बाबर आजम की शमूलियत को उनकी फिटनेस से मशरूत किया था और ओपनर शान मसूद को स्टैंड बाई रखा गया था। ज़रा का कहना है कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक इन दिनों निजी दौरे पर इंग्लैंड में हैं। ताहम गुज़िश्ता दो दिन से कौमी अकेडमी में बाबर आजम ने नेट पर बैटिंग की, जिसके बाद कोचेज और डॉक्टरों ने इन्हें पाकिस्तान टीम में शामिल होने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में गेंद लगने से जख्मी हुए थे। कलाई में फ्रैक्चर के बाइस उन्हें 6 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया था। 24 साल बाबर आजम लिस्ट ए क्रिकेट में 17 सेंचुरियाँ स्कोर करके इस फार्मेट में 16 सेंचुरियाँ बनाने वाले साबक पाकिस्तानी कप्तान शुएब मलिक, अजहर अली, आजाद अहमद और अहमद शहजाद का रिकॉर्ड तोड़कर मोहम्मद हफीज के साथ लिस्ट ए सेंचुरियां स्कोर करने वाले कौमी बल्लेबाजों की फहरिस्त में मुश्तरका तौर पर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।